नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। देश में 15वें राष्ट्रपति के लिए मतदान हो रहा है। नया राष्ट्रपति चुनने के लिए राज्यों की विधानसभा और संसद भवन में वोट डाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। राज्यों की विधानसभा और संसद भवन में मतदान हो रहा है। पीएम मोदी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत तमाम बड़े नेताओं ने संसद भवन में बने बूथ पर मतदान किया, तो वहीं राज्यों के सीएम और विधायकों ने अपनी अपनी विधानसभाओं में वोट डाले। बता दें कि 21 जुलाई को नतीजे आएंगे, 25 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देश के नए राष्ट्रपति के लिए आज चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री समेत तमाम विधायक और सांसद आज वोट डाल रहे हैं नए राष्ट्रपति के लिए। इस खबर पर मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, 5 बजे तक वोटिंग चालू रहेगी और ये नतीजे 21 जुलाई को सामने आएंगे, अभी तक कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है? उत्तर प्रदेश के अंदर में जो 403 विधानसभाएं हैं उसमें से अगर बात की जाए तो टोटल 398 वोट विधानसभा में पड़ने थे। वहीं अगर बात की जाए तो 1 बजे तक 383 जो विधायक हैं उनके मतदान संपन्न हो चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 5 विधायक दूसरे राज्यों में मतदान अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए 5 विधायकों की तो 4 दिल्ली से कर रहे हैं और 1 विधायक केरल से कर रहे हैं। उन्होंने जो वोट डालने की प्रक्रिया थी उसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि हम मतदान जो है वो अपना दिल्ली में करेंगे और बाकी जो 1 विधायक है वो केरल से करेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान कर चुके हैं, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव समेत सपा के सभी विधायक, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जो माना ये जा रहा है कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 280 विधायकों का समर्थन उत्तर प्रदेश में हासिल है। इन सभी जो विधायक हैं इनका मतदान हो चुका है। वहीं अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और उससे अलग होकर बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस व्यक्ति ने मुलायम सिंह यादव यानी कि सपा के संरक्षक का मान नहीं रखा और उनको आईएसआई का एजेंट बताया था उसे मैं वोट नहीं दूंगा। इसके विपक्ष में जो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया कि हम जो ये चिट्ठी है ये शिवपाल चचा से भाजपा के लोग लिखवा रहे हैं, ना कि ये उनकी स्वयं चिट्ठी है। और वहीं आपको बताएं कि आज जो मतदान हुआ है उसमें टोटल 4 कक्षा बनी थी, क अ ब ऐसे करके 4 कक्षाएं बनाई गई थी। इन कक्षाओं में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं साथ ही साथ भाजपा के नेता हैं उनके पूरी लिस्ट रखी थी। और इस बार की जो वोटिंग है उसके लिए बीजेपी पहले से ही डेमो वोटिंग करा चुकी थी, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि इस चुनाव में वो एक अगर देखे तो रिकॉर्ड के तहत वो जो उनकी उम्मीदवार है उनका समर्थन पाए। वही आपको बताएं कि मतदान के लिए एक विशेष जो पूरा मतदान है ये बैलेट पेपर से हुआ है और उसके लिए एक विशेष पेन का पेन लाया गया था। उस पेन से अगर जो बैलेट पेपर है उस पर अपने जो दो उम्मीदवार है उसके सामने चयन करना था। अगर कोई व्यक्ति दूसरे पेन से चयन करता है तो उसे फॉल्स वोटिंग के तहत गिना जाएगा। वहीं इन सभी विधायक की अगर बात की जाए तो लगभग अगर देखे तो लगभग 95% से ऊपर जो विधायक गण है वो वोट दे चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए शिखा तो आज देश के लगभग आपके 776 सांसद और 4037 विधायक अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और ये संविधान की जो संविधान की रक्षा होती है उस कुर्सी का जो संभालने का जिम्मा होता है उसके लिए चुनाव हो रहा है। वही आपको बताएं कि जनतांत्रिक लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि जनसत्ता पार्टी के राजा भैया ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है और वोट देने के बाद वो जब बाहर आते हैं तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें यशवंत सिन्हा नहीं पसंद है और वो एनडीए के पक्ष में वोट दे रहे हैं। वही आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के घटक दल
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया है कि जो हमारी पार्टी के विधायक गण है, यानी कि जो उनके सात विधायक है उत्तर प्रदेश विधानसभा में, उन्होंने भी एनडीए की उम्मीदवार को समर्थन दिया है और उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो उन्हें सराहना की जाती है और वो जब मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो उनके कैरेक्टर को ढीला बताया गया। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके साफ तौर पे अखिलेश यादव पे उन्होंने निशाना साधा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब नतीजे आते हैं, यानी कि जब 24 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आते हैं तो किसको कितने वोट मिलते हैं। और वही अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं ये चुनाव एक तरफा नजर आ रहा है क्योंकि ज्यादातर विपक्ष द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में नजर आ रहा है। किस तरह से देखते हैं, कितने समर्थन है जो की विपक्ष के उम्मीदवार के साथ जा रहे हैं? जी शिखा, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से ही जो राष्ट्रपति चुनाव की कुर्सी की बात आती है तो उत्तर प्रदेश से उसकी एक अहम चाबी जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, साथ ही साथ सबसे बड़ा विधानसभा है और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाली उत्तर प्रदेश है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के अगर बात करें तो बीजेपी के घटक दल के साथ विपक्ष के भी लोग समर्थन दे रहे हैं। वही अगर बात की जाए राज्य से बाहर तो उड़ीसा के बीजू दल से लेकर और अगर बात की जाए तो ऐसे कई सारे जाति जनजातियों की पार्टी का भी समर्थन है। वहीं अगर बात की जाए तो वाईएसआर रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस का भी बाहर से समर्थन है एनडीए उम्मीदवार को। तो देखा जाए तो शिखा इस बार एनडीए की जो उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू उनका जो समर्थन है उसमें भारी संख्या में पार्टियों को देखा जा रहा है। साथ ही साथ जो इंडिपेंडेंट विधायक है उनकी भी बात की जाए, महाराष्ट्र से ऐसे दो इंडिपेंडेंट विधायक है जो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आए हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के समर्थन में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ आरएलडी और अगर देखें तो टीएमसी और स्टालिन अगर देखें तो आपके तमिलनाडु से स्टालिन ने भी वोट देकर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में देशवासियों के जो देश के विधायक है साथ ही साथ सांसद है उनकी तरफ से अपील की गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि एक तरफा ये लड़ाई है मगर ये कहना साफ नहीं होगा कि द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत रही है, ये नतीजों के बाद कहना ठीक होगा। मगर जो राजनीतिक हलचल है उसके हिसाब से जो एनडीए की उम्मीदवार है उनके जो उनको वो मजबूती के साथ लड़ रही है उन्हें समर्थन भी भारी संख्या में मिल रहा है। विभांशु, जिस तरह की रणनीति बीजेपी बनाती है और जिस तरह से कैंडिडेट उतारा है, द्रौपदी मुर्मू एक पिछड़े वर्ग से आती है, तो क्या ये रणनीति के तहत है कि एक ऐसा कैंडिडेट उतारे जिसको विपक्ष का भी ना चाहते हुए समर्थन मिले? जी बेशक, अगर देखा जाए बिल्कुल सिखा तो ऐसा बीजेपी की तरफ से किया गया है क्योंकि जो भारतीय इतिहास की बात करें तो आज तक 15वें राष्ट्रपति देश को मिलने जा रहे हैं, अब तक कोई आदिवासी समाज का राष्ट्रपति उम्मीदवार नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आदिवासियों की पहचान है उसमें एक बड़ा पहचान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा किया गया है और कहीं ना कहीं अगर देखें तो आज एक खुशी का पल होगा उन लोगों के लिए जो अपनी पहचान अगर देखें तो उन्हें देश में एक अलग पहचान नहीं है। मगर अब राष्ट्रपति बनने के बाद अब देखा जाए कि वो अपने समाज के लिए क्या करती है और साथ ही साथ जो ग्रसित लोग हैं, जो आदिवासी समाज के ग्रसित लोग हैं उनके लिए क्या निर्देश दिए जाते हैं। वही अगर बात की जाए तो देश में पहली बार हो रहा है कि आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति की उम्मीदवार के तौर पर एनडीए की उम्मीदवार बनाया गया है। और वही अगर बताए तो मीरा कुमारी के बाद ये दूसरी महिला कैंडिडेट होंगी जो महिला होकर और देश के महामहिम की कुर्सी संभालेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ। तो 10 बजे से वोटिंग चल रही है और शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। सभी विधायक और सांसद अपने मत का प्रयोग करके एक नए राष्ट्रपति को देश को सौंपेंगे और 25 तारीख को यानी 25 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।